इसका मौज मौज ना करो भैया, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हम बस बकायदा मोदी जी की गारंटी के बारे में आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि देखो मोदी जी तमाम तरह की योजनाएं बांट रहे हैं, गरीबों को लाभ पहुंचा रहे हैं। बाराबंकी जिले में भैया इसका प्रचार करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, सिद्धौर क्षेत्र में देखा तो आते हैं और सर्टिफिकेट और तमाम तरह की योजनाएं बांट करके चले जाते हैं। लेकिन यह फोटो हमारे पास आ गई कि वाह भैया वाह देखो चाची आई हमारे यहाँ सर्टिफिकेट लिए खातिर, योजना का लाभ लिए खातिर, तो अतने माननीय लटक जाते हैं फोटो खिंचावे खातिर की पूछो ना। जिला अधिकारी पीछे खड़े रह जाते, उधर देखो भैया चुपचाप से बिल्कुल भैया स्थिर से खड़े थे अपनी जगह पर, और इधर देखो माननीय MLC साहब ज्यादा आगे ना वरना गिर गुराज हो, देखा तो भैया घुसे आ रहे हैं का बात है। इधर देखो राजरानी रावत जी भी थी, इधर देखो भैया पूर्व जिलाध्यक्ष, उनके पूर्व जिलाध्यक्ष, और वह देखो जयपुर से जो चुनाव हार गए हैं वह खड़े हैं पीछे देखो, और तो कोई नहीं रहेगा, उन्हें बुला लो भैया, कोई रहेगा तो बुला लो, सबका बुलाए फोटो खिंचा लो, सब फोटो खिंचाने के शौकीन है और पूरा सर्टिफिकेट मुड़ा जा रहा इतना फोटो खिंचाने के शौकीन है। फिलहाल हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं, फिर से बता दी सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हुआ था तो हम कहला तो नहीं आपका दिखा देगी, देखो कैमरामैन फोकस कर रहा था और बीजेपी के माननीय फोटो खिंचा रहे थे। वाह भैया वाह बहुत गजब की फोटो आई है, अभी का फ्रेम करा के रख लो सब जने की, देखो जब भी भैया मुख्यमंत्री जाते हैं हम लोग आगे लटक जाते हैं फोटो खिंचाते हैं, फोटो खींचे भैया हाँ देखो हम कहते योजना का लाभ पहुंचा रहे हैं मोदी जी की गारंटी, और देखो भैया फोटो कतने जने खिंचा रहे हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो, आपकी कार्यक्रमण कीजिएगा। अब कहो राम शुक्ल जी भैया ढंग से काम नहीं करत रहो, बताओ तुम कहा हटा दिन निलंबित कर दिन। हाँ अरे भैया देखो सोशल मीडिया पर बकता निलंबित करे के बाद आदेश जारी करी है, मामला कहीं और करे, बाराबंकी जिले के देखा तो हैदरगढ़ क्षेत्र का राष्ट्रीय इंटर कॉलेज पर जाता है, यहाँ के प्रधानाचार्य राम कुमार शुक्ल जी को गुरुवार को निलंबित कर दिया गया, और भैया विद्यालय के प्रबंधक देखा तो सुनील कुमार जी बढ़िया देखो निलंबित कर दिन, हम कह लो तो आपका बता दी, बाकी निलंबित पत्र भी जारी करी है कि देखो राम कुमार शुक्ल जी को हटाया जा रहा है, ढंग से काम नहीं करते नहीं वजह से हटाए दिन, अब ढंग से काम करे होती तो कहे हटाई जाती, बाकी आपकी कार्यक्रमण कीजिएगा। इन सब बातों की पुष्टि हमने कही थी निलंबित कर दिए गए, हमने कहा तो आपको बता दे, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब दारू पीकर के गाड़ी चलाने से पहले तनिक सावधान हो जाए, अपना चालान भी कटेगा कार्रवाई भी की जाएगी। बाराबंकी जिले में देखा तो खाली दिन में नहीं रातों में चेकिंग अभियान चलावा जाता है, देखो सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चल रहा है, अब रात का भैया बहुत जने दारू पीकर के गाड़ी चलावत है, यही खातिर यातायात प्रभारी रामयतन यादव जी चेकिंग अभियान चला रहे थे और आप देख सकते हो कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे थे। अब जो कोई भैया दारू पी करके चलाता था वो मसीह में आ जाता था, देखा तो भैया कहते हैं आ कीजिए थोड़ा सा हवा मारिए बस, देखो भाई पता चल जाएगा पी रखा कि नहीं पी रखा आपने, अगर नहीं पियेंगे तो कोई बात नहीं, पियेंगे तो कार्रवाई की जाएगी चालान भी कटेगा, तो कृपया यातायात नियमों का पालन कीजिए। और बिल्कुल भैया सिंघम की तरह देखा तो आजकल लगे हुए हैं और सभी को जागरूक कर रहे हैं रामयतन यादव जी, हमने कहा तो नहीं आपको बता दें, बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर में साथ जी खबर इसी पर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो।